अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माई यूट्यूब फैमिली। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आई होप कि आप लोग भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। और एक जो नई सुबह का आगाज़ हुआ है वो है मुल्तान में। ये है मेरी ससुराल और मैं अपनी ससुराल पहुंच चुकी हूँ। ये मेरी सास का घर है, ये मेरे ससुर का घर है जनाब। और मैं ख़ुद भी यहाँ पर 12 साल रही हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा टाइम गुजरा है मेरा, बहुत सी अच्छी अच्छी सी प्यारी प्यारी सी यादें हैं यहाँ पर। और इसीलिए तो हम हर साल में दो दफ़ा, जो दोनों ईद होती हैं, दोनों ईद पर आते हैं हम मुल्तान। और जी आज है आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो जुमे की। अल्लाह ताला तमाम लोगों की तमाम तर दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए, तमाम परेशानियों को दूर करे और सबको अच्छी अच्छी सी ईद नसीब फरमाए, सबकी कुर्बानियों को कबूल व मंजूर फरमाए। और जी नई सुबह का जो आगाज़ हुआ है ना, वो आज बहुत लेट हो चुका है। रात को इतनी ज़्यादा थकावट हो चुकी थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। लेकिन सफ़र बहुत मज़ेदार गुजरा और आए हैं तो यहाँ पर छोटी छोटी सी बच्चियाँ हैं जिनकी मैं मानी हूँ, और उनके साथ मैंने की बहुत सारी बातें, खाया पिया। तो मैं तकरीबन सुबह 7 बजे सोई और मरियम भी, और अब मरियम उठ चुकी है, मैं भी रेडी हूँ किचन में जाने के लिए। पर अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया और आज मैं नाश्ता करूँगी बच्चियों के साथ, अपनी सास के साथ पीऊँगी इतनी गर्मी में चाय। मुल्तान में बहुत शदीद गर्मी है, बहुत शदीद गर्मी है। तो इंशाल्लाह चलते हैं अंदर किचन में। मुल्तान की गर्मी में ठंडा ठंडा मिल्क शेक, और ये बनाया है मेरी सासू अम्मा ने अपने हाथों से। ये एक गिलास मेरा है और एक गिलास मरियम का। मरियम तो पता नहीं पीती है कि नहीं, लेकिन अभी मैंने करना है नाश्ता, वो भी चाय के साथ। आपको तो पता ही है कि चाय मेरी फेवरेट है जी। मैं आ चुकी हूँ किचन में। ये है हमारी ससुराली किचन। किचन बहुत बड़ा है और बहुत ही प्यारा है। इधर आएगी कुकिंग करने का बहुत ही मुझे मज़ा। और ये मेरा स्टैंड है, सेल्फी स्टैंड है छोटा सा। और जी ये देखें कितना अच्छा किचन है। और किचन में रखा हुआ है चिकन भीगा हुआ, क्योंकि बच्चों ने फरमाइश कर दी है कि मानी हमने आपके हाथ के खाने हैं शुवारमे। और आज इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ पर बच्चों की फरमाइश में बनाऊँगी शुवारमे, और आप लोगों ने भी रहना है मेरे साथ। ये देखें और जी मैं बनाने लगी थी चाय। चाय के लिए मैंने ले लिया है दूध। इतनी गर्मी कह रही हूँ और इतनी गर्मी में चाय का मज़ा ही अपना, लेकिन हम चाय पियेंगे अंदर रूम में बैठ के। और आज मैं चाय अकेली नहीं पीऊँगी, मेरे साथ हैं दो प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ और मेरी सास और मैं, हम चारों बैठकर चाय के मज़े उड़ाएंगे। और आप भी रहिएगा मेरे साथ मेरी फैमिली। ये देखें जी मेरी ज़बरदस्त सी चाय रेडी हो चुकी है। बच्चों ने कर दिया मना, ये मेरी ये वाली भरा हुआ जो कप है ना, ये तो मेरा है। और ये मेरी सासूम्मा की चाय है, क्योंकि वो चाय थोड़ी कम पीती हैं मेरा साथ देने के लिए। उन्हें इतनी चाय वैसे पसंद नहीं थी, ये मैंने ही आदत डाली थी। ये देखें कितनी यम्मी लग रही है, दिल कर रहा जल्दी से पी लूँ। और मैं इसको लेके जा रही हूँ रूम में। चले चलते हैं अंदर। ये देखें जी चाय जा रही है। ये देखें जी मैंने शुवारमे की तैयारी कर दी है स्टार्ट। मैंने लिया है 1/2 किलो बोनलेस चिकन और मैंने उसको कर लिया है यूं क्यूब्स में। ये देखें ठीक है। अब इसको मैरिनेट करने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं शुवारमे बना रही हूँ 5 अदद शुवारमे बना रही हूँ, क्योंकि हमारे पास 2 बच्चियाँ हैं, उनकी फरमाइश में मैं बना रही हूँ। तो मैंने इसीलिए 1/2 किलो चिकन लिया है 5 ब्रेड के लिए, यानी कि 5 शुवारमों के लिए। अच्छा, मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, ब्लैक पेपर्स, ठीक है। हम इनको कर देंगे इसके अंदर ऐड। और जी ये देखें हो रहा है, अच्छा एक चुटकी लिया मैंने हल्दी। हल्दी के बहुत से फायदे हैं ये तो आप लोग जानते हैं। और ये पिसा हुआ धनिया, ठीक है। और ये देखिए मेरे पास है नेशनल वालों का सिरका। सिरका मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि चिकन को गलाने में टेस्ट में बड़ा ज़बरदस्त रहता है। ये तो मैं सिर्फ 2 टेबल स्पून ही लूँगी, कि मुझे अंदाज़ा है, लेकिन आप नाप से ले सकते हैं इसको। और ये देखें जी हमारा चिकन हो गया इस तरह का, और इसको करूँगी मैं मिक्स, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि कैसी इसकी मायो सॉस बनानी है और बाकी चीज़ें बनानी है।
कि हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका था, और जब चिकन मैरिनेट हुआ है तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी था। अब मैं इसको हल्की आंच पे गलाऊंगी। जैसे ही इसका पानी खुश हो जाएगा, चिकन गल जाएगा, तो मैं इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल के इसको फ्राई कर लूँगी। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको रेसिपी दिखाऊँगी। और ये देखें इधर आएँ। अच्छा जी, जो हमें मैंने ली है सिंपल मायो, मायो सॉस बनाने के लिए मैंने ले ली है, ये देखें 5 शवारमों के लिए ये सिंपल सॉस, ये वाली बनाने के लिए, ये देखें ये मायो ली है मैंने सिंपल सी। इसको मैंने गार्लिक मायो बनाने के लिए ब्लैक पेपर ली है, वो भी मैं इसमें कर दूँगी ऐड। और ये देखें, ये मैंने लिया है गार्लिक 1 टेबल स्पून, इनको कर दूंगी मैं मिक्स। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स, गार्लिक मायो सॉस। ये देखें जी, इस तरह की ये गार्लिक मायो सॉस हमारी रेडी हो जाएगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हमने एक और सॉस बनानी है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। नेक्स्ट स्टेप जो है चिली गार्लिक सॉस। चिली गार्लिक सॉस के लिए मैंने लिया 1 टेबल स्पून लहसुन और रेड चिली फ्लेक्स और सॉल्ट। इन तीनों चीज़ों को कर दूंगी मैं मिक्स। दिखाती हूँ आपको क्लोज करके। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनेंगे। ये देखें, रेड चिली सॉस। ये देखें, चिकन उस पानी में बिल्कुल हो गया खुश्क, और मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून डालूंगी ऑयल। ये देखें, मैंने डो रेडीमेड ले ली है, क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं रेडी करती, और बच्चों का दिल कर रहा था कि मानी के हाथ का जल्दी से खा ले। मैं इसे करूंगी हल्का हल्का सा फ्राई। ये देखें जी, हल्का हल्का सा फ्राई करने के बाद देखते हैं, जैसे ये फ्राई होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हमारा चिकन इस तरह का रेडी हो चुका है। ये रेड चिली सॉस, मायो सॉस, गार्लिक और इस तरह की सारी ब्रेड मैंने हल्की हल्की से फ्राई कर लिया। मैं इनको बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं लगाऊंगी रेड चिली हल्की सी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, और मैं कोई वेजिटेबल्स ऐड इसलिए नहीं कर रही कि बच्चों को ना, इधर बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है वेजिटेबल्स, तो फिर बच्चों के मेयार के मुताबिक इंसान को बनाना चाहिए। अगर बच्चे नहीं खाते तो क्या ज़रूरत है कुछ डालने की। और ये देखें जी, मेरा ज़बरदस्त सा चिकन चले, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी अभी फाइनल लुक। ये देखें मेरे मायो चिकन शवारमे रेडी हैं। और जी, हम लोगों ने कोरमा भी खा लिया, शवारमे भी बड़े टेस्टी बने थे, बच्चों को बड़े पसंद आए, वो भी खा चुके हैं। कोरमा भी बड़ा टेस्टी था, और थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कल की थकावट नहीं उतरी, तो बस अब सोने की तैयारी है। इंशाल्लाह मिलूंगी कल एक न्यू व्लॉग के साथ, और कल कुछ नया होगा इंशाल्लाह ताला। आपने मुझे करने हैं अच्छे अच्छे से कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब, और अपनी दुआओं में रखना है मुझे याद। ओके, अल्लाह हाफिज़।